तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको एक नया प्रोडक्ट बताने वाला हूँ जो कि आपका आएगा हेलो बॉक्स की तरफ से। जी हाँ, आपने सुना होगा हेलो बॉक्स B5, B5 प्लस या हेलो बॉक्स 7। तो अभी नया कंसेप्ट हेलो बॉक्स लेके आ चुका है जिसका नाम है हेलो बॉक्स V8। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट ये मुझे लग रहा है विजन की तरफ से। और यहाँ पे जैसे कि आप अपनी पिक्चर्स में देख ही रहे होंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल में आपको मैं आज की वीडियो में इसमें बता दूंगा कि क्या क्या इसमें बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा नया और कब तक ये हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। साथ में आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल वाला आइकन भी जरूर दबा दें। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये जो हेलो बॉक्स B8 है ये एक्चुअली लॉन्च हो चुका है, पर इंडिया की बात करें इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये अली एक्सप्रेस पे भी अवेलेबल नहीं है। कुछ सेलर, एक ही सेलर है अली एक्सप्रेस पे, वहाँ पे वो सेल कर रहा है पर वहाँ पे वो डिस्पैच ही नहीं कर रहा है सामान। तो हमारे जो पुराने सेलर थे हमने उनसे बात करी तो उन्होंने वो चीज़ अवेलेबल करवा दी है, वहाँ से वहाँ हमें भेज दी है। अब देखते हैं जैसे ही हमारे पास मिलता है तो फुल रिव्यू वीडियो आपके लिए सबसे पहले ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो उम्मीद करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी से करके रखोगे और बेल आइकन भी प्रेस करके रखोगे ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या किसी अपने सेटअप बॉक्स के अनबॉक्सिंग से रिलेटेड रिव्यू वीडियो, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले दोस्तों इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन वाईफाई मिलेगा आपको, मतलब इस बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा वाईफाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्ट इन वाईफाई मिलेगा 802.11a, ठीक है, और मैक्सिमम 300 Mbps की स्पीड तक ये सपोर्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद DVB प्लेयर मिलेगा सैटेलाइट टीवी के लिए और मोबाइल फोन्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हेलो बॉक्स B8 जो काम करेगा ये आपके TV पे भी काम करेगा और आपके मोबाइल पे भी काम करेगा। जी हाँ, लाइव स्ट्रीम भी आप अपने मोबाइल पे इसके थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक TV प्रोग्राम कोई चल रहा है आपके सेटअप बॉक्स में हेलो बॉक्स B8 में, तो सेम TV चैनल वही आप स्ट्रीमिंग के थ्रू अपने मोबाइल में भी स्ट्रीम कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों यूज़र्स के लिए, चाहे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है चाहे आपके पास आईफोन है तो उसमें भी आपको ये फैसिलिटी स्ट्रीमिंग की मिल जाएगी। ठीक है, साथ में आपको पता ही है कि हमारे जो हेलो बॉक्स के रिसीवर हैं उनमें DVB फाइंडर का ऑप्शन तो मिलता ही है, तो जी हाँ इनमें DVB फाइंडर का ऑप्शन भी आपको साथ में मिल जाएगा। साथ में अगर बात करें इसके सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो जी हाँ ये OTA के थ्रू ऑटोमेटिक अपडेट यहाँ पे होता रहेगा, जो कि आज तक आप देखते थे हेलो बॉक्स V5 है हेलो बॉक्स V5 प्लस में कि वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे जाना पड़ता था, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपग्रेड पे, वहाँ पे आपको जो भी सॉफ्टवेयर नया आता था वो वहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाता था और वहाँ से आप ईजिली उसको अपडेट कर पाते थे। पर दिक्कत ये हुई कि दिसंबर 2018 के बाद हेलो बॉक्स V5 और हेलो बॉक्स V5 प्लस के लिए कंपनी ने OTA अपडेट देना बंद कर दिया। पर जो V8 आएगा आपका या हेलो बॉक्स B8 जो है उसमें आप OTA के थ्रू भी सॉफ्टवेयर अपना अपडेट कर सकते हैं। अब बात करें मेन फीचर की, मेन हाईलाइट की, तो यहाँ पे आपका जो ऑटो रोल पावर व्यू और ऑटो रोल बिस की जो आपका हेलो बॉक्स V5 और V5 प्लस में मिलता था वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे ऑटो रोल पावर व्यू ऑटो रोल बिस की मिल जाएगा। साथ में बात करें अपने डोंगल की कि कौन सा डोंगल वहाँ काम करेगा, तो दोस्तों आज तक आपने देखा ही होगा कि कोई भी ऐसा डब्बा नहीं था जिसमें आपका 4G डोंगल काम करता था, पर इस डब्बे में जो हेलो बॉक्स B8 है इसमें हेलो बॉक्स B8 बोलो या हेलो बॉक्स 8 बोलो, तो यहाँ पे आपको 3G डोंगल का भी सपोर्ट मिलेगा और 4G डोंगल का भी सपोर्ट साथ में मिलेगा। साथ में ये सपोर्ट करेगा CC कैम, न्यू कैम और MG कैम को। ठीक है, और मेन चीज़ की बात करूँ, मेन चीज़ एक और है इसमें दोस्तों कि, तो जैसा कि दोस्तों आपने बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हम भी जैसे वीडियो बनाते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो हम कोशिश करते हैं कि नए अपडेट के साथ मेन्यू इंटरफेस जो है उसको चेंज करें। तो इस बॉक्स में आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सॉफ्टवेयर कोई नया इंटरफेस का आएगा तभी उसमें आप नया लुक दे सकते हैं। जी नहीं, इसमें सेटिंग में ही आपको 3 से ज़्यादा डिफॉल्ट स्टाइल के मेन्यू मिल जाएंगे, जैसे ब्लू स्काई हो गया, ग्रास हो गया और सनसेट हो गया या कुछ और भी हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली तो नहीं बोल सकता मैं, पर हाँ मैनुअली आप वहाँ पे जाके सेटिंग में जाके इसका जो मेन्यू इंटरफेस है उसको चेंज कर सकते हैं, जो सिस्टम इन्फो का पैनल होता है बॉटम में उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छे फीचर इस बॉक्स में मुझे लग रहे हैं। दोस्तों एक बार दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर अभी तक नहीं कराए तो। अगर मैं बात करूँ इसके फीचर की तो यहाँ पे DBB S2, S2X और T2 फुली कंपैटिबल ये सेटअप बॉक्स आपका आएगा। हेलो बॉक्स V8 ठीक है, H.265 HEVC को सपोर्ट करेगा 10 बिट्स तक। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें इसके ट्यूनर की तो जी हाँ, ये सी बैंड पे भी काम करेगा, KU बैंड पे भी काम करेगा, साथ में मल्टी स्ट्रीम T2MI रेडी पे भी ये काम करेगा। मल्टी स्ट्रीम इन द सेंस फीड्स पे, जैसे आपकी 100 डिग्री ईस्ट पे आपकी फीड्स चलती हैं वर्ल्ड कप की, तो वहाँ भी क्योंकि वो वर्ल्ड कप की फीड जो है वो उसी बॉक्स में काम करेगी जहाँ पे मल्टी स्ट्रीम का उसमें ऑप्शन रहेगा। पर हाँ इस बॉक्स में आपको मल्टी स्ट्रीम का यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और साथ में अगर बात करूँ मैं DQC कंट्रोल की तो यहाँ पे आपको DQC 1.0 का कंट्रोल भी मिल रहा है, 1.2 का कंट्रोल भी मिल रहा है, और साथ में 1.3 का भी कंट्रोल मिल रहा है। ठीक है, 1.3 मतलब USALS, ठीक है, उसका भी कंट्रोल मिल रहा है। मतलब आप चाहे 4 पोर्ट का DQC लगाओ, चाहे आप 8 पोर्ट का लगाओ, चाहे 16 पोर्ट का लगाओ, या फिर मल्टी DQC जितने भी आप लगाना चाहते हैं उसके थ्रू भी आप इसमें जो अपने सेटेलाइट हैं उनको स्कैन कर सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे चैनल स्कैनिंग की तो जी हाँ, यहाँ पे ऑटो भी है, मैनुअल स्कैनिंग भी है, और साथ में आपका ब्लाइंड स्कैन भी यहाँ पे पूरे का पूरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप अपने सैटेलाइट को भी स्कैन कर सकते हैं। और साथ में इस बॉक्स में आपको मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाएगा, मल्टी लैंग्वेज मेन्यू का सपोर्ट मिल जाएगा, सब टाइटल्स का सपोर्ट मिल जाएगा, और साथ में आपको ऑडियो आउटपुट का जो जो ऑडियो चेंज का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। EPG PVR टाइम शिफ्ट सारा सब कुछ यहाँ पर काम कर रहा है। और अगर बात करें इसके चैनल स्टोरेज की तो यहाँ पर 8000 चैनल तक ये अपने इस सेट टॉप बॉक्स में, हेलो बॉक्स 8 में या हेलो बॉक्स B8 में आप 8000 तक चैनल जो है उनको स्टोर कर सकते हैं, मतलब स्कैन करने के बाद उनको सेव कर सकते हैं। बात करें अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट की तो यहाँ पे यूट्यूब काम कर रहा है, माई ट्यूब काम कर रहा है, और भी बहुत सारी, जैसे पॉन ट्यूब था, और भी हैं एप्लीकेशंस जो एक मैं जैसे मेरे पास ये स्टॉक पहुँच जाता है आके उसके बाद मैं एक फुल रिव्यू वीडियो आपको बना के दे दूंगा, उसमें ज़्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, और अगर दोस्तों बात करूँ एक्स्ट्रा इंटरफेस की तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के लिए या फिर पावर सिग्नल्स के लिए एक्स्ट्रा अपने डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, और USB 2.0 सपोर्ट करेगा, LED डिस्प्ले इसमें मिलेगा, HDMI 1.4A विद HDCP ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, और सैटेलाइट टाइप की बात करें तो यहाँ पे S2 मतलब DBB S2 और T2 दोनों ये सपोर्ट करेगा। RJ45 पोर्ट भी आपको मिल जाएगा इथरनेट का, उसमें भी आप डायरेक्टली आपको वाईफाई अगर नहीं आप कनेक्ट करना चाह रहे तो आप जो RJ45 पोर्ट है, लैंड पोर्ट जिसको बोलते हैं, लैंड पोर्ट के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का नया कंसेप्ट हेलो बॉक्स V8 या हेलो बॉक्स 8 के बारे में। उम्मीद करूंगा कि आपको ये नया प्रोडक्ट जो है हेलो बॉक्स का ये जरूर से पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक जरूर कर दें, और शेयर नहीं कराए वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जो है उसको भी प्रेस जरूर कर दें। बाकी अगर बात करें इसके रेट की तो 3000 से लेके 4000 के बीच में इसका रेट होने वाला है। अभी तक हमारे पास स्टॉक नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे मत पूछना कि भाई स्टॉक कब आएगा कब नहीं आएगा। जैसे ही मेरे पास स्टॉक पहुंच जाएगा तो अपने कम्युनिटी टैब में मैं इसकी इमेजेस वगैरह और पूरी इसकी डिटेल के साथ इसका प्राइस भी यहां पे मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आपको ऑर्डर करना होगा तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी बात करें रिव्यू की तो जी हाँ, रिव्यू वीडियो भी मैं जल्दी ही बना दूंगा, जैसे मेरे पास स्टॉक आ जाएगा पहुंच जाएगा तो उसके बाद मैं रिव्यू वीडियो जो है वो भी आपको बना के दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।